गवाह तारीख, देश टीवी की प्रस्तुति गवाह तारीख में देखते हैं आज का इतिहास। 19 जुलाई के इतिहास में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं जिनमें 19 जुलाई 1814 को रिवाल्वर का आविष्कार करने वाले सैमुअल कोल्ट का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 19 जुलाई 1827 को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म हुआ था। वर्ष 1881 में आज ही के दिन 19 जुलाई को जर्मनी के नोबल पुरस्कार प्राप्त विख्यात रसायन शास्त्री हरमैन एस्टेडिंगर का जन्म हुआ था। 19 जुलाई 1893 को रूस के प्रसिद्ध शायर व्लादिमीर मायाकोस्वी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 19 जुलाई 1900 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो रेल चली। दुनिया की पहली मेट्रो सेवा लंदन में शुरू हो चुकी थी। वर्ष 1909 को आज ही के दिन यानी 19 जुलाई को मलयालम भाषा की प्रसिद्ध कवित्री नालापाद बालमणि अम्मा का जन्म हुआ था। 19 जुलाई 1938 को भारत के प्रसिद्ध भौतिकी वैज्ञानिक जयंत विष्णु नार्लिकर का जन्म हुआ था। वर्ष 1940 को आज ही के दिन 19 जुलाई को एडोल्फ हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। 19 जुलाई 1948 को अल्तमस कबीर का जन्म हुआ था। वे भारत के 39वें मुख्य न्यायाधीश थे। 19 जुलाई 1965 को दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमन री का निधन निर्वासन के दौरान हो गया था। वर्ष 1969 को आज ही के दिन 19 जुलाई को अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने यान से बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में चहलकदमी की थी। 1969 को ही आज ही के दिन 19 जुलाई को भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 19 जुलाई 1974 को क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को लंदन से नई दिल्ली लाया गया था। आज ही के दिन 19 जुलाई 1976 को नेपाल में सागरमाथा पार्क बनाया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी सराहा। आज ही के दिन 19 जुलाई 2001 को नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्ष 2001 को ही आज ही के दिन 19 जुलाई को ताश, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश और शतरंज सहित 30 वस्तुओं का आयात अफगानिस्तान से प्रतिबंधित हो गया था। वर्ष 2003 को आज ही के दिन 19 जुलाई को रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी माले थान को अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बने। 19 जुलाई 2004 को 3 बार टाले जाने के बाद दुनिया के सबसे बड़े दूर संचार उपग्रह को लेकर एरियन 5 फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ। आज ही के दिन 19 जुलाई 2005 को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। 19 जुलाई 2008 को अमेरिका ने प्रशांत महासागर में लक्ष्य निर्धारित कर लंबी दूरी तक मार कर सकने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया था। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यू डी अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।